मेरठ के कंकरखेड़ा इलाके में बस उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कॉलोनी में दिन दहाड़े पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। लगभग आधा घंटा चली इस मुठभेड़ में दिल्ली का कुख्यात 1 लाख का इनामी बदमाश शक्ति नायडू को पुलिस ने गोली मार दी, तो वहीं दौराला सीओ जितेंद्र सरगम बदमाशों की गोली से घायल हो गए और SSP अजय सानी की बुलेट प्रूफ जैकेट से भी बदमाशों की गोली लग गई। मौके पर कई थानों की फोर्स SSP अजय सानी और खुद ADG ने मोर्चा संभाला। फिलहाल घायल सीओ को उपचार के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है, जबकि शक्ति नायडू की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि दिल्ली का रहने वाला शक्ति नायडू सोमवार को दिल्ली देहरादून हाईवे से फॉर्च्यूनर कार लूटकर भागे थे, जिसकी लोकेशन कंकरखेड़ा थाना इलाके के वैष्णो धाम से मिल रही थी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, जिसके बाद कॉलोनी के एक मकान के अंदर से पुलिस पर फायरिंग होनी शुरू हो गई। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। जब कमरे से गोलियों की आवाज आनी बंद हो गई तो पुलिस ने जाकर देखा तो दिल्ली का शव शिक्षक नायडू, जिस पर 1 लाख का इनाम है, वो घायल अवस्था में पड़ा मिला। मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच एक बड़ी मुठभेड़ हुई है। बताया जा रहा है कि ये गैंग दिल्ली का था। यहाँ देखिए ADG जोन प्रशांत कुमार पूरी टीम के साथ यहाँ मौजूद है और ये एक रिहायशी कॉलोनी है, रिहायशी इलाका है। यहाँ पर SSP अजय सानी, ADG प्रशांत कुमार खुद मौके पर पहुंचे हैं और मोर्चा संभाल रहे हैं और तमाम पुलिस फोर्स, आप देखिए कि पूरी इस कॉलोनी को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली की बड़ी गैंग थी, जिसमें शक्ति नायडू नाम का जो बदमाश है वो घायल हो गया, साथ साथ एक सीओ की भी गोली लगी है, वो भी घायल हो गए, और अजय सानी जो SSP हैं वो भी, उनकी भी बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लग गई, जिससे वो भी घायल हो गए। और खुद ADG जोन प्रशांत कुमार मौके पर यहाँ मौजूद है, मैं उनसे बातचीत करूंगा। सर, क्या पूरा घटनाक्रम था सर? ये दिन दहाड़े यह मुठभेड़ हुई, यहाँ सूचना आई थी कि कुछ बदमाश यहाँ मौजूद हैं। जब हमारी टीम आई तो देखा कि नीचे फॉर्चुनर गाड़ी वही खड़ी थी जिसकी लूट कल रात को हुई थी। उसके बाद से जब पुलिस ने अप्रोच करना शुरू किया, नज़दीक जाना, तो फायरिंग हुई और उसके बाद से हम लोगों ने पूरे क्षेत्र की घेराबंदी की और री इन्फोर्समेंट भेजा। और जब मुठभेड़ पूर्ण हुई तो अंदर जाके देखा गया तो एक बदमाश घायल था, जिसे अस्पताल भेजा गया है। ये शिव शक्ति नायडू, इसने अपना नाम बताया, जो दिल्ली का रहने वाला है, और इसके पास से 30 की कार्बाइन और एक DBBL बंदूक बरामद हुई है। अन्य सामग्री भी बरामद हुई है, जिसका फॉरेंसिक एग्जामिनेशन चल रहा है। और वर्तमान में अभी तक के हिसाब से हमारे जो एक CO हैं वो घायल हैं और SSP के भी BP जैकेट पे चोट है, और अन्य जो हमारे कर्मचारी और अधिकारी लगे थे उन सब के अभी जब हम एक पूरी परीक्षण कराएंगे तब एग्जैक्ट कितने लोग घायल हैं या कितनी चीज़ें हैं ये पता चलेगी। लेकिन वर्तमान में जो घायल बदमाश था उसको यहाँ अस्पताल भेजा गया है, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। सर, किसी की मौत भी है तो बदमाश किसमें? अभी तो घायल हैं, उपचार कराया जा रहा है और हम लोग बेस्ट पॉसिबल जो उनको मेडिकल एड है देंगे। सर, कुल कितने बदमाश सर बताए जा रहे हैं अंदर? ना, अभी तो अंदर कोई नहीं है। हम लोगों ने एक सर्च लिया है और आगे फॉरेंसिक टीम वहाँ कार्रवाई कर रही है। सर, कितने बदमाश सर यहाँ मौके पर थे उस समय? ये तो हम लोगों ने देखा नहीं। जब हम लोगों ने अप्रोच किया तो फायरिंग हुई थी, तो हम लोगों ने उस पर मोर्चा लिया था, और जब विवेचना से ये चीज़ें प्रकाश में आएंगी कि और कितने लोग थे, कहाँ थे। सर, कुछ दिन पहले भी सर एक आपस में इनमें मुठभेड़ हुई थी, उसमें एक बदमाश मारा गया, तो बताया जा रहा था कि SP को सुपारी देने की बात भी शक्ति नायडू के सामने आई थी सर। हाँ, ये बात समाचार पत्रों के माध्यम से आई थी कि कोई ACP दिल्ली पुलिस के हैं जिनकी कोई सुपारी ले रखी थी। तो बिल्कुल ये वही शक्ति नायडू है जिसका पिछले दिनों जिक्र भी आया था, और इनका एक साथी आपसी मुठभेड़ में मारा भी गया जब आपस में बदमाशों में मुठभेड़ हुई थी। बताया जा रहा था कि कोई दिल्ली के ACP हैं जिसको मारने की सुपारी शक्ति नायडू ने ली थी, और आज वो शक्ति जो नायडू है वो पुलिस की मुठभेड़ में घायल हो गया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी लोकेश हमारे साथ जुड़ चुके। लोकेश, इनामी बदमाश जिस तरीके से पुलिस की गिरफ्त में आया, पुलिस के लिए कहीं ना कहीं पूरी एक पूर्व नियोजित ढंग से इस घटना को अंजाम दिया, एक बड़ी कामयाबी कही जा सकती है।
बिल्कुल आलोक, आपको बता दें कि देर रात सूचना मिली थी कि हाईवे पर एक फॉर्च्यूनर कार बदमाशों ने लूट ली है, जिसकी जब लोकेशन निकाली गई तो पता लगा कि वो कंकड़खेड़ा थाना इलाके के कृष्णा विहार में वैष्णो धाम में पाई गई। वहां पर जब पुलिस वहां पर पहुंची तो एक घर में से कॉलोनी का, क्योंकि पूरा रिहायशी इलाका है और पॉश कॉलोनी है, तो एक घर में से अचानक पुलिस के ऊपर फायरिंग होने लगी, जिसके बाद पुलिस ने जब वहां सूचना दी कंट्रोल रूम पर तो आसपास के कई थानों की पुलिस फोर्स वहां पर पहुंची। खुद अजय थी अजय सानी वहां पर पहुंचे और उसके बावजूद भी जो गोलियां हैं उस घर से लगातार बरसती रही पुलिस वालों पर, फिर पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसके बाद खुद एडीजी प्रशांत कुमार मौके पर पहुंचे और मोर्चा संभाला। जब अंदर से पुलिस को गोलियों की आवाज आनी बंद हो गई, गोली अंदर से आनी बंद हो गई, तो पुलिस अंदर पहुंची तो वहां देखा एक शख्स पड़ा हुआ था घायल, जिसका नाम शक्ति नायडू बताया जा रहा है, दिल्ली का कुख्यात बदमाश है ये, जिस पर मेरठ से 1 लाख का इनाम भी घोषित किया गया था। अभी बता दें आपको, पिछले महीने यही शक्ति नायडू था जो अपने 4 साथियों के साथ मेरठ हाईवे पर पहुंचा था और वहां पर दिल्ली के किसी एसीपी को मारने की बात कर रहे थे। इस सुपारी भी शक्ति नायडू ने दिल्ली के एसीपी के लिए थी। तब वहां जो 2 साथी थे इनके, तिलक राज और हनी, दोनों चाचा भतीजे थे, दोनों चाचा भतीजों ने अपने साथियों का यानी कि इन बदमाशों का विरोध किया और कहा कि हम दिल्ली के एसीपी की हत्या में शामिल नहीं होंगे और हम इस हत्या को अंजाम नहीं देंगे। तो आपस में 5 साथियों में गाड़ी के अंदर लड़ाई हुई, जिसके बाद फायरिंग तक वहां हो चुकी, जिसमें हनी और तिलक राज घायल हो गए थे, जबकि हनी की इलाज के दौरान मौत हो चुकी थी। और तब से पुलिस को ऋतु राज की और जो ये इसका जो साथी था रवि बुरा और साथ ही साथ ये जो बदमाश मारा गया है पुलिस की गोली से, इसका नाम भी बड़ा नाम था शक्ति नायडू, और ये उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए नहीं आस पास की कई राज्यों की पुलिस के लिए सुरगर्द बना हुआ था। इसकी तब से ही पुलिस को तलाश थी और आज भी पुलिस ने इसमें फायरिंग कर दी। पुलिस को इसके पास से काफी हथियार भी मिले उस घर के अंदर से और फॉर्च्यूनर कार जो रात लूटी गई थी वो भी पुलिस ने बरामद कर ली। तो बड़ा इस खुलासा हुआ है, बड़ी सफलता पुलिस को मिली है और जब इसकी मौत हो गई तो लगता है कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ कई राज्यों की पुलिस अब चैन की सांस ले पाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया लोकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिस ने पूर्व नियोजित ढंग से इस घटना को अंजाम दिया, पुलिस के लिए